नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एशियन होटल ईस्ट के बोनस के बारे में। इस वीडियो में कंपनी की बोनस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ शेयर की डिटेल को भी देखेंगे और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले बोनस की डिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी जो है कोविड के बाद से लॉस में ही है और अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन कंपनी की ओर से जो है 1:2 के रेशियो में बोनस अनाउंस किया गया है, जिसकी एक्स डेट जो है 6 अक्टूबर है, यानी कि जिसके पास अगर 2 शेयर होंगे तो उनको 1 बोनस का शेयर मिलेगा और उनके पास टोटल जो है 3 शेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास अगर 10 शेयर है तो उनको 5 बोनस के शेयर मिलेंगे और उनके पास टोटल जो है 15 शेयर हो जाएंगे। बोनस से कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, खाली स्टॉक स्प्लिट से जो है कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू में चेंजेस होता है। एक एज्यूम करके चलते हैं कि 5 अक्टूबर की शाम को मार्केट क्लोज होने तक शेयर का प्राइस अगर 335 रहता है तो 6 अक्टूबर को बोनस के बाद शेयर का प्राइस जो है 223 रुपए और 33 पैसे पर ओपन होगा। इसके अलावा अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर 5 तारीख की शाम को जो है 300 पर क्लोज होता है तो 6 तारीख को मॉर्निंग में जो है 200 पर ओपन होगा। इसके बाद कंपनी की डिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी जो है होटल सेक्टर में आती है। कंपनी का मार्केट कैप जो है 385 करोड़ है। कंपनी का मार्केट कैप कम होने के कारण कंपनी जो है स्मॉल कैप में आती है। कंपनी लॉस में होने के कारण कंपनी का पी रेश जो है बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 0.5 है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है नेगेटिव है 4%। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेश जो है 0.17% है। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग जो है 66% है और शेयर की फेस वैल्यू हाल फिलहाल में जो है 10 है। कंपनी 2007 में फाउंड हुई थी और कंपनी के एमडी और सीईओ जो है अरुण शरीफ है। कंपनी जो है फंडामेंटली काफी कमजोर है। इसके अलावा कंपनी जो है प्रॉफिट में भी नहीं है और स्मॉल कैप में भी आती है, इस कारण से रिस्क तो रहता ही रहता है। हालांकि शेयर का प्राइस जो है 331 रुपए के आसपास है और इसने 1 महीने में जो है 103 रुपए का रिटर्न भी दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।